गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट तो हमने कराया हुआ था इसके पहले वीडियो में, और यहाँ कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और कह रहा है कि आप इनके रूट का नेचर बताइए। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट होते हैं, रूट का हमें नेचर बताना है। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसको दिखाइए, सॉल्व करके दिखाना है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड एक जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इससे हम इसका कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यानी ए इक्वल टू क्या होगा, 3। ए इज इक्वल टू क्या मिल गया, 3 आया। और बी एक्स कोएफिशिएंट को भी कहते हैं, ये हो गया -4√3। और उसके बाद सी इज इक्वल टू आ गया 4। अब हमें यहाँ पर डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ देखिए बी -4√3, तो -4√3 यह स्क्वायर हो गया, और -4a की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 रख देंगे। सी 4 है, इसको सॉल्व करते हैं तो 4 16 48, और ये 48 को सेपरेट करेंगे तो कितना आ गया, 0। D इज इक्वल टू 0 आ गया। तो जब D इज इक्वल टू 0 हो जाता है देन तब इसके क्या होंगे, therefore roots are equal and real। इसके जो रूट होंगे ना वो इक्वल होंगे, यानी दो रूट जो होंगे वो दोनों इक्वल होंगे और रियल होगा। मतलब रियल रूट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, आप तो कहा है कि आप उसको बताइए रूट क्या होंगे। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला रखेंगे, ये यहीं पर सॉल्व करके दिखा देते हैं इसको। तो हमारे पास रूट निकालने का फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो आइए रखते हैं माइनस बी की जगह पर यहाँ रखेंगे 4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4√3 प्लस -√। यहाँ देखिए हमें यहाँ b और a और c की वैल्यू नहीं रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें यहाँ पर निकाल कर रखे। बी स्क्वायर माइनस 4ac को d से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इसको कहा जाता है, यानी डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर 0 आई है। तब आप इस पूरे की जगह पर आप डायरेक्ट यहाँ पर रखो 0, हमें जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने, हम डी निकाल चुके हैं। या तो आप इसकी जगह पर डी भी रख सकते हो, यहाँ डी लिख दीजिए, यहाँ डी की वैल्यू रख दीजिए। उसके बाद 2 है और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गया एक्स और ये हो गया 4√3 और ये प्लस माइनस 0, मतलब 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, ये लिख नहीं जाएगा। उसके बाद ये कितना आया, 6 आया। इसको अगर हम कट करते हैं तो ये मिलेगा 2√3 और ये नीचे आया, यहाँ 2√3 है और 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, 3 से 3 कट गया। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 2√3, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर आपका इसी फॉर्म में दिया हुआ है, आप ऐसे करके छोड़ दीजिए। तो हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर बताया कि डी इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब रूट्स आर इक्वल। तो दो इसके दो रूट यही होंगे, तो दो रूट इसके इक्वल होंगे, कौन से रूट होंगे, 2√3 और 2√3, यही इसके इक्वल रूट आएंगे। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको नेचर बताना है रूट का। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तब आप इस फॉर्मूला की हेल्प से आप रूट निकाल दो। तो ये हो गया, आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसको नेक्स्ट बताएंगे आपको। थैंक यू।